अरे कटा आलू डालो भाई, क्या टकिया में सब पसीना आ रहा है मेरे, वो तो सूखा सूखा हो जाएगा। मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मेरे नसीब में ऐसी सब्जी हो। चल चल देख, मेरे टकले के साथ थोड़ा अच्छा कलाकारी करो, मजा आया देखने। उतना भी नहीं, उतना नहीं, वो फोटो दिख रहा है वहाँ पे। बाल वाल कटवा के एकदम सेक्सी बन गया है मैं, ऐसा लग रहा है ना इसे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, बहुत बड़ा बोझ। हमसे पूछो बोझ, तुम्हारे तो बाल भी नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग आलू लेने, दिन के और रात के खाने का भी तो प्रबंध किया जाए। ले आलू चाट आता है। हाँ। वो आलू नहीं है, पता है। अरे कटा हुआ आलू डालो भाई, अरे भाई साहब अब मैं निकालूंगा देखना। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, निकाल लो निकाल लो, पैदा कर लो अपने आलू। ये बढ़िया। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो आज है कुक भैया की छुट्टी क्योंकि आज है संडे। तो मैंने और नम्रता ने ये डिसाइड किया कि दोनों एक एक टाइम का खाना बनाएंगे। नम्रता बनाएगी लंच, मैं बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा डिनर। अगर सुशील होता तो वो बनाता ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको उसके आगे नहीं आता, वो पोहा में खत्म हो जाता है। कुछ भी बनाया ब्रेकफास्ट है उसका, औकात मेरे। उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा अच्छा बेटर बेहतर शेफ, जो कि मैं हूँ। अभी से कैसे डिसाइड हो गया, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। तू क्या बनाएगी? मैं बनाऊंगी आलू बीन्स पराठे और पराठे। हाँ। नाना चिट्टा। और मैं जो बनाऊंगा मैं सीधा रात को दिखाऊंगा, क्योंकि ये कुछ नहीं बनाएगा। क्योंकि मेरे को डर है अगर मैं बता दिया कि मैं क्या बना, ये लड़की गूगल करके वो चीज का रेसिपी कॉपी करके फिर खुद बना देगी, तो इसलिए मेरे को रिस्क नहीं लेना। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। नहीं, इसको डर है कि अगर बना नहीं बने इसलिए अभी बोले नहीं रहे। मैडम मैं मम्मी को फोन कर रही है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, लेकिन मम्मी कॉल नहीं उठा रही है। ये तो बहुत गलत टाइम पे नहीं उठा रही है। हो गया हो गया हो गया, फिर से लगाऊंगी मैं। कट गया आपका? हां सब चीज का मतलब ही नहीं होता कि मैं कभी बोलूंगी कॉल उठाओ। सब्जी बनाने का टास्क तो ले लिया लेकिन बनाना भी तो आना चाहिए। कटिंग के आगे भी तो बड़े इंसान आता है, सिर्फ नमक पूछना है कितना डालते हैं। झूठ बोल रहा है। बस ये कब डालते हैं और नमक कब डालते हैं वो नहीं पता, बाकी सब प्रोसेस आता है मेरे को। हाँ मम्मी वीडियो कॉल उठाओ ना, अभी मैंने ये सब काट दिया है, ठीक है। बीन्स आलू प्याज और ये मिर्ची टमाटर, टमाटर भी डालता है इसमें। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ले नहीं तो अभी बनाना शुरू थोड़ी नहीं है, अभी काट दूंगी मैं टमाटर। लहसुन है? हाँ नहीं है, नहीं है। हाँ अब बताओ कैसे क्या क्या डालना है, कब कब डालना है, जल्दी जल्दी कॉपी लेकर। नहीं है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी, आप कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता, जितना आता है वो भी नहीं आएगा मेरे को। चल रहा है, चलते रहेगा। One eternity later. फोन पे पता लगाने के बाद अब टमाटर काटा जा रहा है, क्योंकि तू टमाटर नहीं खाता है। अरे बस कर भाई। हाँ अब सही। और एक चीज बताता हूँ, मैडम ने बीन्स काटना चालू किया और काटते काटते फ्लो में इतना बह गई कि थोड़ा सा नेल पॉलिश अपने नाखून तक पील लिया उन्होंने। डेडिकेशन बोलते हैं इसको। अच्छा। और जब तक उंगलियों का स्वाद ना आए क्या ही मतलब है खाने का। अच्छा। इतना स्वाद तो नहीं चाहिए था मेरे को। ऐसा नहीं लग रहा कि प्याज थोड़ा जल रहा है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा जला रहेगा ना तो थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा टेस्ट देगा। अच्छा। खाना बनाते बनाते इतना समय लग गया कि हमें पराठे का प्लान चेंज करके चावल पे कूदना पड़ गया। बीन्स कच्चे, आलू पकाए, वो तो देखो भूख लग गया नहीं तो मैं और पकाती उसको। अच्छा। खाना बनाते बनाते घर में इतना धुआं धुआं हो गया भाई, छींके छींक छींके छींक। उतना तो कुक भी करता है यार। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। हाँ। कुक का बदनाम मत करो। नहीं। मैंने बस ऊपर ऊपर से देख के जज किया कि बीन्स कच्चे हैं, ये है लफड़ा, वो लफड़ा, असली लफड़ा तो अंदर था। इतना मिर्च डाला, इतना मिर्च डाला, तो वॉशरूम के बाहर बैठ के खाना खा रहा हूँ, नाक भर जा रहे भाई। अब तक एक बार खाना खाया, दो बार नाक भर गया मेरा, बताओ क्या टकले में सब पसीना आ रहा है मेरे। लेकिन मैं खाना फेंकूंगा नहीं, मेरे तो लग गया भाई। खाना ऐसा बनाओ कि दोबारा कोई बनाने ही ना बोले। तो मैंने तो अपना टास्क पूरा कर लिया और बहुत अच्छा खाना बना था, टेस्टी खाना बना था। अब ये जनाब बना रहे हैं खाना। मैं बना रहा हूँ अंडा आलू।
क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना। दिन में जैसे कि इन मोहतरमा ने कुछ बनाया था, एफर्ट्स के लिए फुल मार्क्स, लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ा कम। एटलीस्ट मैंने नया बनाया, खाना भले मैंने पहले बनाया हो लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए एंड में पेट भरना चाहिए दोनों का। शाबाश बेटा। और मैंने तेरे को ये बोला था जो सबसे अच्छा होता है वो बना, तो रोना नहीं। मैंने बोला था, मैंने बोला था मैं पनीर बनाऊंगी, मैं पनीर नहीं खाता। फिर मैंने बोला था मैं अंडा भुर्जी बनाऊंगी, वो तो सूखा सूखा हो जाएगा। और आखिरी में इसने मेरे से बीन्स बनवाया जो मैंने फर्स्ट टाइम बनवाए हैं। हेल्पिंग हैंड भी तो मिला था चार जगह से। क्या हेल्पिंग हैंड था? मम्मी से पूछना गलत बात है, बताओ सब अपनी मम्मी से पूछते हैं। क्या हो गया विनोद? खुशी के आंसू आए। खाना बना रहा हूँ दोनों के लिए, बहुत खुश हूँ मैं, अंदर से खुश हूँ। किसी के प्याज काटते काटते आंसू निकल गए। मम्मी बहुत खुश होगी मैं खाना बना रहा हूँ। लव यू मम्मी। ये क्या है? ये तेज पत्ता। ये मेरे साथ टाइम पे तो नहीं दिया था तूने? किचन में सब कुछ है, एक बार नजर दौड़ाओ। ये गलत बात है, तूने छुपा दिया सामान। जैसे कि तेज पत्ता मालूम चल रहा तो बहुत ही जलवे बिखेर देते आप हैं। वो उसी की तो कमी रह गई थी, बाकी सब तो अच्छा ही बना था। A few moments later. कैसा लग रहा पता? दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अंडा तो कोई भी बना लेता है यार, ये तो चीटिंग है। नेक्स्ट टाइम तू बना लियो। हाँ ठीक है मैं बना लूंगी, मैं तो आज भी बना रही थी, तूने मेरे से मना करवाया ताकि तू अंडा बना सके। अंडा भुर्जी बनाना और अंडा आलू बनाना दोनों अंतर। पर दोनों अंडे ही तो है। पर अभी टेस्ट नहीं गया, तो दिखने में तो मेरा भी अच्छा लग रहा था। नहीं अंडे में क्या ही बुरा हो सकता है बताओ, अंडे को कौन ही बिगाड़ सकता है। वाह क्या स्वाद, वाह नजर ना लगे भाई, इतना अच्छा बना, मजा आया। घर जवाए बनने के लिए मैं एकदम परफेक्ट मटेरियल, खाना मैं बना देगा, टेंशन नहीं। बेटी को भेजो जॉब पे, मैं घर में बैठे खाना बनाने जाता है। खाना पीना खाकर तो हो गया, और हमने डिसीजन लिया है कि मेरा खाना ज्यादा अच्छा था। ये इसी का डिसीजन है, ठीक है? इसमें मेरा 1% भी वोट नहीं है। खाना अच्छा इसका बना था पर इसने चीटिंग किया है। मेरे हिसाब से तो बिना मैं हूँ तू डिस्क्वालीफाइड है। एक आदमी ने इतना मिर्च डाला कि बाथरूम के बाहर बैठे हुए पेल पेल कर रहा है। और एक आदमी ने नमक ही नहीं डाला था, पता है? मैं डाला था। झूठ नहीं बोला, दर्शकों से झूठ नहीं बोलते। जल्दी नमक कम नहीं था, चल ठीक है, व्यूज नहीं आएंगे। नमक कम नहीं था, नमक थोड़ा सा कम था, ठीक है? अब तेरे में कमी की ना, मिर्ची ज्यादा थी, बीन्स थोड़े से कच्चे थे, मतलब बहुत आलू, बाकी तो एकदम परफेक्ट बना था। आलू भी कच्चा था। ऐसी ऐसी बीन्स की सब्जी तो खाई भी नहीं होगी तुझे, पूरा कुकर खाली कर दिया इसने। अरे मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मेरे नसीब में ऐसी सब्जी हो। तो जो भी था जैसा भी था यहीं तक था, तो ये वाला ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। होपफुली ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए टाटा।